आखिरकार चंद्रमा पर आकाश का रंग काला क्यों है और हमारी पृथ्वी पर आकाश का रंग नीला क्यों है? तुमने यह सवाल कई बार सुना होगा या तुमने शायद कभी खुद से भी यह सवाल पूछा होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों है। पर इसका जवाब ढूंढने के लिए शायद हमें अभी कुछ और सवाल करने चाहिए। रात में आकाश का रंग क्या होता है? अब इसका जवाब तो तुम सबको पता है, रात में आकाश का रंग गहरा या अंधकार में होता है। और ऐसा क्यों है? वह सीधी सी बात है कि अगर प्रकाश नहीं है तो रंग भी नहीं है। रंग प्रकाश से मिलते हैं या रंग प्रकाश की वजह से दिखाई देते हैं। चलो ठीक बात है, अब यह बताओ कि आकाश का रंग क्या दिखता है जब तुम अपनी आंखों को बंद कर लेते हो। अब यह कैसा सवाल है? अरे भाई, रंग देखने के लिए आंखों की जरूरत तो पड़ती है, पर इसका मतलब यह है कि प्रकाश हमारी आंखों के साथ कुछ तो करता है कि हमें रंग दिखाई देते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ एक अंतरिक्ष यात्री है जो एक छोटी गाड़ी पर चंद्रमा पर घूम रहा है। तुम क्या देखते हो, पर उससे भी ज़्यादा तुम क्या नहीं देख पा रहे हो? बाईं ओर से सूर्य की प्रकाश आ रहा है, तुम टायर के मडगार्ड का रंग देख सकते हो। जमीन का रंग यहाँ भूरा स्लेटी है। अब एक दूसरा चित्र लो। अब छोटी गाड़ी के साथ तुम लाल और नीले अमरीकी झंडे को देख सकते हो। इस छोटी गाड़ी जिसमें अंतरिक्ष यात्री को आकाश में चंद्रमा की जमीन पर पहुंचाया है, तुम इस गाड़ी का सुनहरा रंग भी देख सकते हो। अरे यहाँ प्रकाश है लेकिन आकाश पूरी तरीके से काला है, एकदम अंधेरा। अब ये कैसे हुआ? चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है और यहाँ हवा भी नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर आकाश का रंग काला है। तुम प्रकाश को तभी देख पाते हो जब वह किसी बड़ी या छोटी वस्तु जैसे जमीन, झंडा या छोटे गैस के अणुओं द्वारा परावर्तित होता है। अगर चंद्रमा पर हवा होती जैसे हमारी पृथ्वी पर है तो वहाँ भी आकाश का रंग नीला दिखता है। पृथ्वी पर आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर मौजूद हवा की वजह से होता है। आकाश पृथ्वी से नीला दिखता है लेकिन पृथ्वी के ऊपर अगर हवा नहीं होती तो दिन के समय भी कुछ सूरज इस तरीके से नजर आता। अब ये हवा करती क्या है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचती है तो हल्की गैस के कुछ अणु मिलते हैं जो सिर्फ कुछ नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं, लेकिन बाकी के रंगों की किरणें उनसे होकर चली जाती है। नीली रोशनी जो कि बिखरी हुई होती है हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम आकाश को नीले रंग का देख पाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय पीले नारंगी क्यों होते हैं? जब सूर्य अस्त या उदय हो रहा होता है तो सूर्य की किरणों को वातावरण का बहुत सारा हिस्सा तय करना होता है। यह ज़्यादा लंबा रास्ता होता है और इसी वजह से ज़्यादातर नीली और हरे रोशनी वातावरण द्वारा दूर तक बिखेर दी जाती है। और सूर्य की दिशा में जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वह पीला या नारंगी पीले नीले रंग का होता है। हम प्रकाश तभी देख सकते हैं जब वे किसी वस्तु पर परावर्तित होता है या फिर हम प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य या बल्ब की ओर देखते हैं। हम रंगों को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि या तो वस्तुएं कुछ रंगों को सोख लेती है और कुछ को परावर्तित कर देती है, या क्योंकि अणु प्रकाश में विभिन्न रंगों को विभिन्न तरीके से बिखेर देते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला, पीला, नारंगी या लाल दिखता है। तो आकाश का रंग चार चीजें तय करता है: प्रकाश, आंखें, वातावरण और उस वातावरण में मौजूद हवा।